बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेगा। सो हम देखते हैं, द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। लेकिन सवाल ये है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है। इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखिए, जो आपने लेक्चर नंबर 4th में स्टडी की थी, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थी। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के गिर्द कुछ गैसेस का एक ब्लैंकेट है। ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, नॉक्स हैं। इन गैसेस ने एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना रखा है। ये ब्लैंकेट क्या करता है कि ये अर्थ से री एमिट होने वाली सोलर रेडिएशंस को एस्केप नहीं करने देता। ये रेडिएशन जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस थी, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस थी, इनको री एमिट होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए था। एटमॉस्फेयर में नहीं, स्पेस में जाना चाहिए था, लेकिन इस ब्लैंकेट की वजह से, इन सारी गैसेस की वजह से ये स्पेस में नहीं जा सकती, बल्कि एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। अब यहाँ पे इतनी हाई अमाउंट में जब एनर्जी रहेगी, तो अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तो ये पूरी अर्थ को ओवरऑल डैमेज करेगा, और इसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। जब पूरी ग्लोब का, पूरे अर्थ का, अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज से इंक्रीज करेगा, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसकी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने पहले ही डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, इतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती चली जाएगी। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज अप टू 0.4 टू 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस लास्ट सेंचुरी। हमारी अर्थ को अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ बनाया है, जो कि तमाम लाइफ फॉर्म्स के लिए सूटेबल है। तमाम लाइफ फॉर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इवन प्लांट्स, इन सबको एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे वो रेंज ऑफ टेम्परेचर डेवलप किया है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये रेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो लाइफ के तमाम प्रोसेसेस जो अर्थ पे हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अब तक 0.4 से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज आ चुका है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और हमने, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनने वाली तमाम गैसेज ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि लाइफ पे क्या इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स। ऑब्वियसली जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा, तो जो आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी अल्टीमेटली मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग सीवियरली। ये जो आइस कैप हमारे नॉर्थ और साउथ रीजन में हैं, वो हमारे पूरे अर्थ की, पूरे ग्लोब की एटमॉस्फेयर को, पूरे ग्लोब की क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और इनकी मेल्टिंग की वजह से एक तरफ तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सी लायन वगैरह, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरी तरफ ओवरऑल वर्ल्ड की क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रही है। वेदर पैटर्न चेंज होना हो रहा है। वेदर पैटर्न चेंज होने से क्रॉप की रोटेशन में फ़र्क आ रहा है, क्रॉप की प्रोटेक्शन में फ़र्क आता चला जा रहा है। सो एक इफ़ेक्ट की वजह से लाइफ बहुत से एस्पेक्ट से सफ़र कर रही है। इट इंक्रीज द फ्लड्स एंड दस लीड टू राइज इन अ सी लेवल। जब फ्लड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली सी लेवल भी रेज करेगा। अब फ्लड्स कैसे ज़्यादा होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स के पिघलने से वो जो बर्फ़ थी वो पानी में चेंज होगी, और पानी में चेंज होने से फ्लड्स आएंगे।
पानी की मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लडिंग होगी और फ्लड से सी लेवल रेज करेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग सीवियर चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स। दीज चेंजेस इन द वर्ल्ड हैव सीवियरली अफेक्टेड बोथ नेचुरल एंड सराउंडिंग एज वेल एज ह्यूमन सोसाइटी। इफ दिस राइजिंग टेम्परेचर वुड नॉट बी कंट्रोल्ड द कंडीशन वुड बी इवन मोर वर्स इन नियर फ्यूचर। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सी लेवल के रेज करने से हमारा क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, विंड पैटर्न चेंज हो रहा है और इन सब का इफेक्ट हमारे फूड पे आ रहा है कि क्रॉप रोटेशन या क्रॉप डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है। फसलों को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा क्योंकि बारिशों का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, बारिशों की टाइमिंग डिस्टर्ब होने से ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। सो फर्स्ट व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, लेट्स डिफाइन इट। द परमानेंट कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर अदर ह्यूमन यूजेज इज डिफॉरेस्टेशन। So what does it mean that there are trees, there are forests over a large area and we cut it down for our personal uses such as urbanization, such as agriculture uses and many many other sectors. So these cutting down of trees and not the growing down, not the afforestation of trees is called deforestation. यानी किसी जगह से दरख्त काटना मुस्तकिल तौर पे और ऑल्टरनेटिवली नए दरख्त ना लगाना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। देर आर सेवरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत से कॉजेज हैं। अकॉर्डिंग टू द WWF रिपोर्ट्स, हाफ ऑफ द ट्रीज दैट हैव बीन कट डाउन फॉर नेचुरल फॉरेस्ट आर यूज एज फ्यूल। सो द फर्स्ट पर्पज टू कट डाउन ट्रीज और द डिफॉरेस्टेशन इज द फ्यूल। वी नीड वुड टू बर्न एंड टू गेट एनर्जी either for our domestic uses or for our industrial uses such as industrial boilers. The leading cause of deforestation is agriculture. The other major factor of deforestation is agriculture. People are clearing the land, are removing the tree to grow their crops, and these crops are necessary to fulfill their energy demands or the food demand, or you can say the nutrient demands. Farmers cut down the forest to plant the crops and to graze their livestock. Due to the increase in population, accommodation is an increasing issue. To reduce the issue, several new housing societies are being constructed by clearing the natural land. So it is a third major reason for deforestation that new colonies have been developed, new shopping plazas, new shopping malls have been constructed and are constructing and are being constructed by clearing the land. Timber is also used to make commercial items such as paper, furniture and home decoration pieces. So it is the fourth major cause for deforestation that the forest wood is obtained for their economical uses such as furniture making, such as home decoration and paper manufacturing. All these causes are threatening the ecosystem, natural ecosystem on earth badly. So now we'll see how these activities affect the environment. Deforestation poses an adverse impact on the environment. It's obvious that as the trees are the houses and the habitats of many many species, so when the trees are removed, the habitats of animals destroy greatly. By the destruction of habitats, species disturbs and even die. And by the death of these species, ultimately the natural balance of ecosystem disturbs, which affect the whole environment on the earth. The severe effect on living species is the loss of their natural habitat. It's a very, very severe effect that is disturbing our environment. About 80% of animals and plants live in forests and the deforestation destroys their homes. Forest soils quickly dry out after removing the trees from the land. And why it quickly dries out? Because there is no object, there is no any mechanism to suck the and to retain the water in the soil. When there are trees, due to the roots, water moves inside the soil because the roots suck the water from the soil. So by this sucking movement, the water moves inside the soil. But when there are no roots in the soil, there is no action, no purpose to move the water inside ground. So the soil quickly dries out, and when it dries out, the erosion of soil increases. The erosion of fertile soil also reduces the nutrients amount in the soil.
So the absence of plants reduces the fertility of the ground. It's the second major effect, that the fertility of ground reduces badly. Number third effect is, trees are responsible for regulating the water cycle in the atmosphere. How? By the action of transpiration. The transpiration process evaporates the water from the surface of the leaves, and in return more water is absorbed by the roots from the soil. So a movement of water channel is initiated through plants, and in the absence of plants this water cycle disturbs as well. Without trees, such forest plants quickly becomes desert, and the reason we have discussed earlier, that when there are no trees, there is no movement of water. So, as well as due to erosion, being dried, nutrient availability reduce. So ultimately, a fertile soil becomes desert. Soil erosion is also a consequence of deforestation. It's the number four major effect, that when the trees are removed, there is erosion of soil, which reduces the nutrient amount in the soil, and the soil becomes unfertile. Do you know what is erosion? Erosion is the removal of the first layer or the second layer of the ground due to the physical activity, such as air, wind, water, etc. So erosion is removal of soil layer due to physical activity. Such as that of wind, water. यानी किसी भी physical factor की वजह से soil की upper layer का remove हो जाना, यानी जैसे हवा चलती है तो मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, वो मिट्टी क्या होती है, इरोड होके उड़ना शुरू हो जाती है. सो किसी भी फिजिकल फैक्टर जैसे बारिश है, जैसे हवा है, इसकी वजह से सॉइल की अपर सरफेस का रिमूव हो जाना इरोजन कहलाता है. इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन. अल्टीमेटली जब वहाँ पर दरख्त ही नहीं होंगे, कोई चीज़ ऐसी, कोई फैक्टर ऐसा होगा ही नहीं जो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन किए रखे, तो सॉइल लेयर रिमूव होना शुरू हो जाएगी. इट्स द फोर्थ मेजर इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन. Trees regulate the temperature in both day and night time. With the removal, temperature extremes will be observed. So it is the fifth effect, that we observe temperature extremes in the absence of trees, because trees regulate the temperature by the effect of transpiration. So jab transpiration hi nahi hogi jo ki cooling cause karti hai, सो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. उसके इसके अलावा ट्रीज़ शेड प्रोवाइड करते हैं लैंड को, और जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट ज़मीन तक, ग्राउंड तक आएगी, और टेम्परेचर इस तरह से भी इंक्रीज़ होगा. डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज.
इट्स द नंबर सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. हाउ ट्रीज एब्जॉर्ब, इट इज द आंसर ऑफ हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. ट्रीज एब्जॉर्ब द ग्रीन हाउस गैसेज एंड दीज ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, नॉक्स. मोस्ट ऑफ दीज गैसेज आर एब्जॉर्ब बाई द ट्रीज एंड न्यूट्रलाइज्ड. बाई डिफोरेस्टिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंटर्स इन द एटमोसफेयर एंड लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग. जब दरख्त ही नहीं होंगे तो वो एनवायरमेंट में उनकी अमाउंट बतदरीज बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली ये ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगी. सो इस तरह क्लाइमेट चेंज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैसेज के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा होने से क्लाइमेट चेंज, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है बहुत स्फीयर और इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है. सो ये वो सारे इफेक्ट्स थे जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ और उस पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बियर करना पड़ते हैं. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स. नंबर वन इज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. Number two is soil dries out after removing trees. Number third is trees are responsible for regulating water cycle. क्योंकि trees transpiration process के जरिए atmosphere में water vapors की addition करते रहते हैं. Number fourth is soil erosion. Soil erosion is the removal of fertile layer of land due to the physical activity such as water or wind. And in the absence of trees, these physical factors, water and wind, do their work freely and remove the soil to greater extent. Number fifth is trees regulate the temperature in both day and night time. How they regulate the temperature? By the effect of transpiration photosynthesis. And the number six is climate change. In the absence of trees, greenhouse gases are increasing greatly and ultimately they are causing an increase in global warming, and due to the increase in global warming our climate pattern has been changed and is going to change diversely. These are all the effects of deforestation on environment. So we should plant trees as much as possible. Thank you very much.